अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। जैसे कि हम आप तक काफी खबरें पहुंचा रहे हैं, पूरे यूनियन टेरिटरी में जो है वो ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां हो रही है, जहां आज डोडा पुलिस ने जो है वो 5 जो दवाइयों की दुकानें हैं उनको सीज किया और उनकी ड्रग लाइसेंस जो है वो कैंसिल की, क्योंकि वहां पर जो है वो जो नौजवान है उनको इलीगली जो है वो दवाइयां बेचते थे जो ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और इसके अलावा जो है वो किश्तवाड़ पुलिस ने भी आज एक नामचीन ड्रग पेडलर मुदस्सिर और डगा को जो है वो NDPSA एक्ट में जो है वो अंदर ठोका है, जेल में ठोका है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले बताया था कि किस तरह से शोपियन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने 5-6 ड्रग पेडलर्स की जो है वो प्रॉपर्टी सीज की थी। लेकिन अब जो है इस केस में जो है वो एंटी नार्कोटिक्स जो फोर्स टास्क फोर्स है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो स्पेशली क्रिएट की गई है जो ड्रग ट्रैफिकिंग की केसेस है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने जो है वो कुछ ड्रग पेडलर्स के जो है वो बैंक अकाउंट सीज किए हैं और जिसमें गाड़ी शामिल है और जो गोल्ड कॉइन्स हैं तकरीबन जिनकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है उनको जो है वो सीज किया। मैं बता दूं कि ये केस जो है वो पिछले साल सितंबर में जो है वो सामने आया था, जिस पर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो विंग है जो इसके ड्रग्स रिलेटेड केसेस को जो है वो डील करती है। उसके बाद जो है मैं बता दूं कि इस केस में जो है 108 केजी और 256 ग्राम जो है वो पॉपी स्ट्रा यानी कि जिसको फूकी कहते हैं वो पकड़ी गई थी, जो कि जो ट्रक्स में जो एप्पल की पेटियां जो सेब की पेटियां थी उसमें पैक करके जो है वो लिया जा रहा था। लेकिन मीर बाजार में जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है वो इस ट्रक को सीज किया था, जिसमें जो सेब के बदले जो है वो 108 केजी और 295 ग्राम जो है वो पॉपी स्ट्रा मिला था वहां से। और उसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है उस पर FIR भी लगाई थी। ये 26/9/2022 का केस है। इसके बाद जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में जो है इसमें इंटर स्टेट यानी कि जो पंजाब के ड्रग पेडलर्स और यहाँ के ड्रग पेडलर्स से उनका जो है वो रोल सामने आया, और जो पंजाब बेस्ड ड्रग पेडलर था उसने रेगुलरली जो यहाँ के ड्रग पेडलर से उनके अकाउंट में जो है वो पैसे डाले थे, और उससे ये साबित होता है कि जो ये ड्रग्स की ट्रेड का पैसा है जो उसमें एक्यूज दो लोग जो पकड़े गए थे जो पंजाब का ड्रग पेडलर डीलर है उसकी पहचान सुरिंदर के नाम पे हुई थी, जबकि जो हमारे साउथ कश्मीर के जो दो ड्रग पेडलर थे उनके नाम भी जो है वो इसमें जो है वो सामने आए हैं। मैं बता दूं कि जो ये एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का जो ये एक्शन है इसमें जो है वो बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, और इसमें जो है वो 24,52,149 रुपए जो है वो अकाउंट में जो है वो एक अकाउंट में पाया गया है और दूसरे अकाउंट में जो है भी जो है वो काफी पैसे पाए गए थे। और इसके अलावा एक क्रेटा गाड़ी है जिसकी कीमत 11,10,172 बताई गई है, और गोल्ड क्वाइन जिनकी कीमत 10,06,330 रुपए जो है वो बताया गया है जो इन ड्रग पेडलर से जो है वो सीज की गई। इसमें जो है वो मैं बता दूं कि जो एक फॉर्मेलिटी होती है जब इनकी इसमें जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद ये रिक्वेस्ट जो है वो होम मिनिस्ट्री को जाती है, और होम मिनिस्ट्री में जो है ये 2 महीने प्रोसेस चलता है, और कल जो है इसकी वहां से जो है वो परमिशन आ गई और इसको जो है वो अब पूरी तरह से जो है वो सीज किया गया है और उनको जो है वो जब्त किया गया है, जिसको हम बोलते हैं SAFEM NDPS Act 1985 के तहत, जो लोक नायक भवन न्यू दिल्ली है वहां से कंफर्मेशन आई है। यहाँ की जो एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है उसको, और उसके बाद ही जो है वो उन्होंने जो है वो सारा जो है ये सब जो है वो ये सीजर किया है। मैं बता दूं जो ये साउथ कश्मीर के 2 ड्रग पेडलर नामचीनी, इनका नाम गोहर और नजीर जो है वो बताया गया है, जो हमारे को जो है वो इंफॉर्मेशन मिली है। इस तरह के मैं बता दूं कि इस तरह की कार्रवाइयों की जो है वो बड़ी जरूरत है यहाँ पर। अगर आपको ड्रग्स को जो है वो करना है, आपने कंट्रोल करना है, अगर आपको ड्रग्स को जो है वो खत्म करना है, उसमें जो है वो आपको इस तरह की जो है वो कार्रवाइयां जो है गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। इसी तरह की कार्रवाइयों यहाँ जो है वो लगी हुई है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के केसेस देखे जा रहे हैं, डोडा में देखे जा रहे हैं, बाकी जगह पर जो है वो देखे जा रहे हैं। न सिर्फ ड्रग पेडलर्स के केसेस देखे जा रहे हैं बल्कि
की जो बवाइन समंगलर्स हैं उनकी केसेस देखे जा रहे हैं, और जो मिलिटेंट्स हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिवेट करते हैं, पिछले दिनों भी जो है फिक्सू में एक हिज्ब के कमांडर की जो है वो प्रॉपर्टी सीज की गई थी। गवर्नमेंट ने जो है इसमें चारों तरफ से जो है वो कार्रवाइयां शुरू की है, क्योंकि जो ड्रग्स का ट्रेड जो है वो एक टेररिज्म के साथ लिंक है, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फाइनेंसिस को जुड़ाने के लिए। इसमें जो भी आगे भी इस तरह की न्यूज़ें आएंगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि डोडा में जो है वो 5 दुकानदार जो है उनकी जो दवाइयां बेचते हैं उनकी लाइसेंसों को जो है वो सीज किया गया, जिसमें रिहान मेडिकल हॉल जो है मंदिर मार्केट बदरवा में है। इसके अलावा जो है ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आर्डर पे जो है वो सीज हुआ है। उसके अलावा जो है वो इसमें जो है वो 170 FIR भी लगी हुई थी जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी एक केस में, उसमें ये पता चला था कि जो रिहान मेडिकल हॉल है वहां से जो है ये ड्रग्स सप्लाई हुई है जो पकड़े गए थे ड्रग पेडलर्स के से। इसके अलावा जो है वो मैं बता दूं कि जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर है जैसे मैंने बोला कि उसने जो है वो कैंसिल कर दिए लाइसेंस। इसके अलावा जो है MS मनहास मेडिकल शॉप डंडी बदरवा में है, इसके अलावा MS मलिक ड्रग स्टोर खिलेनी डोडा में है, और है MS जावेद मेडिकल हॉल जो कारा गुंदव में है, और MS मीर मेडिकेट जो कि PIC बाला बदरवा के पास है। इन सबको भी इतनी दुकानें भी जो है वो सीज की गई है, और पुलिस के मुताबिक ये सब दुकानदार जो है वो दवाइयां बेचने के बदले जो है वो ड्रग्स नौजवानों को बेचते थे, इसीलिए जो है इनकी ड्रग लाइसेंस भी कैंसिल की गई और दुकानें भी जो है वो सीज की गई। अब आगे चलकर देखना होगा कि इस तरह की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर में और कितनी आगे ली जा सकती है, लेकिन हमें जो है खबरें मिल रही हैं कि काफी दर्जनों लोगों की जो ड्रग पेडलर से उनकी प्रॉपर्टीज की जो है वो डिटेल जो है वो कलेक्ट की जा रही है, और उनसे पूछा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कहां से आएंगी। जिस तरह से अनंतनाग के केस में जो है वो 10 लाख से ज्यादा के जो है वो गोल्ड कॉइन्स मिले, क्रिएटर गाड़ी मिली, 24 लाख के करीब जो है वो कैश मिला बैंक अकाउंट में, जबकि उनसे पूछा गया कि वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और उससे ये साबित होता है कि जो ड्रग पेडलर पंजाब में बैठे थे वो जो है इनको अकाउंट में जो है वो पैसे डालते थे, और उसी से जो है ये प्रॉपर्टियां बनाई गई है। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है इसमें जो है वो स्पीड अप प्रोसेस करे ताकि इस वबा को जो है जम्मू कश्मीर से जो है वो दफा किया जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।